चलिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर पूरी एक रिसर्च करी है, जितने भी पोर्टल्स थे वो सब छान मारे हैं और आपके बीच में पूरा कंटेंट लेके आए हैं कौन कौन सी फील्ड जो है वो आपके अवेलेबल होती है आफ्टर 12। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पीसीबी है या पीसीएमबी है तो आप ये सारी जो है फील्ड्स को ध्यान में रख सकते हैं चूज करते टाइम कि आपको 12th के बाद क्या करना है। तो अगर हम बात करें मेडिकल की, देखिए सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पर आपकी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के अंदर जो है आपके गवर्नमेंट के अंदर IITs आ जाते हैं, NITs आ जाते हैं, जहाँ पर आपकी बहुत ही कम फीस होती है। और क्या होता है, इंजीनियरिंग में आपके फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही जो है कंपनीज आना चालू हो जाती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सब आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये अच्छा पैकेज देती है। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये बेसिकली आपके फोकस करते हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भले इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो लेकिन वहाँ पे पैकेज जो है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है इफ यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस के इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसके अंदर आपकी फीस जाती है 15 से 20 लाख रुपए, ठीक है। उसके अंदर पैकेज की कोई गारंटी नहीं होती है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। वहीं बात करते हैं मेडिकल की, यानी कि आपके डॉक्टर फील्ड की, तो यार गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं ना, वहाँ की फीस में आपको सिर्फ रहने की और खाने की फीस देनी रहती है, बाकी सब जो फीस होती है वो माफ होती है। लेकिन गेटिंग इन टू एन गवर्नमेंट कॉलेज इन मेडिकल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। वहीं हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ पे आपको कम से कम 40 से 50 लाख रुपए तक का खर्चा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यार लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ये आपके डॉक्टर के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो जाकर के अपना क्लिनिक खोल सकता है, ठीक है, और वो अपनी खुद की कमाई स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी बहुत अच्छी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, बस ये है कि पैसा ज़्यादा है, ठीक है, डिग्री आपको वही मिल रही है, ठीक है। तो बात करते हैं मेडिकल की, तो मेडिकल के अंदर सबसे पहली फील्ड आ जाती है MBBS, जिसमें आपको 5 से 5.5 साल लग सकते हैं। मुन्ना भाई MBBS देखिए, हाँ, तो वैसे ही आप MBBS कर सकते हैं जो कि 5 से 5.5 साल की होती है, ठीक है। उसके बाद आपको MS करना पड़ता है, ठीक है, जो आपके 3 साल की होती है। और फिर एक डॉक्टर बनने के लिए आपको पर्टिकुलर, अगर स्किन स्पेशलिस्ट बनना है या कोई पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा जो कि आपका 2 साल का होता है। तो यार आप देख सकते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको 10 से 10.5 साल अपनी जिंदगी के खर्च करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपने सही से पढ़ाई कर ली ना 10-12 साल, तो यार आपकी जो इनकम होने वाली है वो लाखों के अंदर होने वाली है, सीरियसली, ठीक है। तो पहली फील्ड होती है आपकी MBBS की। दूसरी आती है CMS। CMS कुछ भी नहीं होता, मेडिकल सर्विसेज होती हैं, जो कि आप CMS एक डिग्री लेकर के 2-3 साल में कर सकते हैं। तो यार जितने भी रेलवे और जो आर्मी मिलिट्री के इनके होते हैं ना डॉक्टर्स, वो सब ये CMS वाले डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि आपके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज के लिए उठाए जाते हैं, ठीक है। तो यार एक बहुत अच्छी ब्रांच आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर। फिर यार बात आती है जो लोग MBBS नहीं कर पाते ना, वो लोग मैंने देखा है कि ज़्यादातर BDS और MDS की तरफ मूव करते हैं। अब ये BDS MDS क्या है, डेंटिस्ट होते हैं ना, तो वही ये आपका डेंटिस्ट्री की पूरी पढ़ाई होती है जो कि आपकी 4 साल की होती है। तो 4 साल में इसमें आपको देखने को मिल जाता है कि यार 3 साल तो आपकी पढ़ाई होगी और 1 साल आपको जो है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो BDS जो होती है आपकी 4 साल की जाती है, इसके बाद आपको MBS भी करनी पड़ सकती है। BDS के बाद मैंने ऐसे देखा है कई बच्चे जो है वो डायरेक्टली अपने क्लिनिक भी खोल लेते हैं, ठीक है। तो आप डेंटिस्ट के अंदर भी जा सकते हैं। फिर बात आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी भी यार एक अच्छी ब्रांच है जो कि आप देख सकते हैं। बात करें तो यार MBBS BDS जो है आपकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है, ठीक है। फिर आती है वेटरनरी, जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स के डॉक्टर्स, उनको आप वेटरनरी ब्रांच के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये डिग्री ली है तो यार आप जितने भी NGOs हैं एनिमल्स से रिलेटेड, आप उनके साथ टाई अप कर सकते हैं, उनके उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है इफ यू आर इनटू एनिमल्स। फिर बात आती है आयुर्वेदिक की। यार मेरे को लगता है कि आयुर्वेदिक जो है इंडिया में इतना नहीं चल रहा है, लेकिन जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जितना मैंने रिसर्च किया था वो समझ में आया, तो यार आयुर्वेदिक की बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ब्रांच है वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से भारी वेस्टर्न कॉलेजेस हैं जो कि आपको ये जो है डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट आ जाता है आपका BPT, यार ये कुछ भी नहीं है, आपकी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपके 4 से 4.5 साल तक का जो है डिग्री मिल जाता है आपको देखने को। तो जितने भी आपने देखा होगा, आप हॉस्पिटल गए होंगे, जितने भी आपके पीछे बैक पेन होता है, फिर इनकी जो फिजियोथेरेपी करता है वो BPT डिग्री के थ्रू ही आया है। तो यार गाइस मैंने आपको जितने भी यहाँ पर पूरा एक रोड मैप दिया है, जितनी भी डिग्रीज जो है आप ले सकते हैं इफ़ यू आर इनटू मेडिकल और नॉन मेडिकल ब्रांचेस।
यार निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मार्क्स भी आए हैं तो अगर आप आईआईटी में नहीं जा पाए हैं, आप एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, अपने पास बहुत सारे फील्ड्स हैं यार, स्किल्स देखो, स्किल्स ढूंढो, उनके ऊपर फोकस करो और उसके हिसाब से जो है अपना पाथ जो है चूज करो। देखिए कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसके अंदर सक्सेस नहीं है। अगर आप ये सब नहीं भी करना है तो एक आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपना, जैसे अगर आपको खाने का इंटरेस्ट है तो यार आप खाने का एक पूरा बिजनेस खोल सकते हैं, पूरी एक एप्लीकेशन खोल के पूरी ब्रांच खोल सकते हैं और जोमेटो और स्विगी को आप मात दे सकते हैं, ठीक है। तो यार सोच, यहाँ पर सोच बदलनी है, आइडियाज लाने, इनोवेशन लाने और सोचना है कि हम किसके अंदर अच्छे हैं और वही चीज़ हमें चूज करनी है। तो यार मेरे को लगता है कि मैंने अपना जो इनपुट है वो पूरा दे दिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं यार और कोई भी आप इन फील्ड्स के अंदर मेरे चाहते हैं कि वीडियो बनाऊं, तो यार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस पूरे वीडियो का जो है रिव्यू पक्का से यार कमेंट बॉक्स में दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।